मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रमुख और उपप्रमुख के ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव से बढ़ा राजनीतिक तापमान। मधेपुर में प्रमुख राधा देवी ने नाटकीय रूप से वापस लिया अपना त्याग पत्र, अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार। प्रमुख राधा देवी के बाद अब उप प्रमुख प्रमोद यादव के विरुद्ध भी पंचायत समिति सदस्यों ने लाया अविश्वास का प्रस्ताव। चुनावी साल शुरू होते ही मधुबनी जिले के पंचायती राज व्यवस्था में मची उथल पुथल से जिले का राजनीतिक तापमान गर्म। जोर तोड़ की राजनीति के साथ मनाया जा रहा लोकतंत्र का उत्सव। मधुबनी जिले की मधेपुर प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने नाटकीय ढंग से आज अपना त्याग पत्र वापस ले लिया है और पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार है। इसके साथ ही अब उप प्रमुख प्रमोद यादव के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिससे कोसी दियारा क्षेत्र मधेपुर में राजनीतिक खलबली मच गई है। मधुबनी जिले की मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर पर आज सोमवार को शीतलहर के बावजूद राजनीतिक सरगर्मी का पारा 49 डिग्री के पास देखा गया। आपको बता दें कि बीते 2 जनवरी को मधेपुर प्रखंड प्रमुख राधा देवी ने झंझारपुर SDO को अपना त्याग पत्र दे दिया था। बताया जा रहा है कि प्रखंड की 17 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख राधा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपना त्याग पत्र देने वाली प्रखंड प्रमुख ने आज सोमवार को झंझारपुर SDO को दिए अपने त्याग पत्र वापस ले लिया और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार है। वहीं आज मधेपुर प्रखंड कार्यालय में एक दूसरा घटनाक्रम भी देखने को मिला, जब 12 पंचायत समिति सदस्यों ने उपप्रमुख प्रमोद यादव के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया। मधेपुर प्रखंड प्रमुख राधा देवी का पद त्याग या फिर अविश्वास प्रस्ताव का होगा सामना। इस मामले का पटाक्षेप होते ही उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उपप्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में सदस्यों ने आरोप लगाया है कि समय से बैठक नहीं बुलाने तथा पंचायत समिति सदस्य के साथ व्यवहार ठीक से नहीं करने के कारण नाराज सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं वो सबसे पहले हमारे पहले जो प्रमोद जी थे उपप्रमुख, वो सही समय से नहीं किसी मीटिंग में भागीदारी निभाते थे, नहीं कोई योजना होता था या चाहे किसी बैठक में प्रोसीडिंग सही समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराता था, नहीं किसी से समय पर बातचीत करता था, नहीं कोई जानकारी देता था, अपने मनमानी से कोई भी काम करता था। इसीलिए हम लोग अपने विचार से इसको हटाने का काम किया। कितने समिति लोगों ने मिलकर 12 प्रमुख जी लगा प्रमुख जी के लगा। अच्छा, प्रमुख जो इससे पहले इस्तीफा दिया था वो क्या नाम हुआ, फिर से ज्वाइनिंग कर लिए क्या? उनके नॉलेज में है, हम लोग को जानकारी भी नहीं है। ये आपने लगाया अविश्वास प्रस्ताव? जी, हम सभी सदस्य मिलकर कितने समिति को अविश्वास प्रस्ताव आपका पास हो जाएगा, कितने समिति होंगे? 11 आपके पास? 12 ऑलरेडी 13 ही कही है। प्रमुख लगा के 13? हाँ, प्रमुख लगा के 13। इस्तीफा की बात है तो वो आज 7 दिन पहले वो ले सकते थे एज पर रूल, और उन्होंने वापस ले भी लिया, तो वो काउंट उसी दिन से होगा जो 2 तारीख को इनके ऊपर अविश्वास का आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को रिसीव कराया गया था, उसी दिन से काउंट होगा। 15 दिन के अंदर फिर उनको बैठक बुलाना अब जरूरी है और बुलाना ही पड़ेगा। इनकेस किसी कारणवश अगर वो टालमटोल करते हैं तो एज पर रूल पंचायत राज अधिनियम 2006 के एक्ट के तहत उप प्रमुख जी उसको करवाएंगे। अगर उप प्रमुख भी असमर्थ होते हैं कि डेट या समय निर्धारित करने में, तो फिर 1/3 समिति सदस्य अपने कार्यपालक पदाधिकारी को लिख के देंगे समय स्थान और कहाँ होना है, कब होना है, और उसके अकॉर्डिंग सूचना कार्यपालक पदाधिकारी उसको सभी समिति सदस्यों को 7 दिन पहले रिसीव करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बैठक। सर, पता चला कि मधेपुर के जो